मैं जन्म से ही सर दिव्यांग थी और मेरी एजुकेशन काफ़ी लेट स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे चलने में प्रॉब्लम होती थी। तो फिर मैंने स्टिक से पहले चलना सीखा, उसके बाद मैं सामान्य बच्चों के स्कूल में गई जिसमें उनके प्रिंसिपलों ने मुझे ये कह के मना कर दिया कि आप हैंडीकैप हो, आपका इसमें एडमिशन नहीं हो सकता। तो मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर सर अपने ग्वालियर के घोड़ापुर पे स्कूल था अमर ज्योति नाम का, जिसमें सामान्य और दिव्यांग बच्चे दोनों पढ़ते थे। उसमें सर मैंने एडमिशन लिया डायरेक्ट 4th क्लास में, वहाँ से मेरी एजुकेशन स्टार्ट हुई और वो 8th क्लास तक था। तो वहाँ पे सर ऐसा होता था कि जो हैंडीकैप बच्चे होते थे उन्हें एक्सरसाइज स्विमिंग कराई जाती थी NLIP अपने ग्वालियर के कॉलेज में। तो वहाँ पे सर मैं एज अ एक्सरसाइज के लिए गई थी, मुझे इतना नॉलेज नहीं था, सिर्फ एक्सरसाइज के लिए गई थी। तो वहाँ पे जो मेरे स्विमिंग कोच थे VK डवास सर जी, उन्होंने बोला कि प्राची तुम काफ़ी अच्छा स्विमिंग कर रही हो तो तुम नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करो। तो मैंने उनके कहने पर सर जूनियर कैटेगरी में फर्स्ट टाइम पुणे में पार्टिसिपेट किया था 2007 में, जिसमें सर मुझे एक गोल्ड मेडल लगा था 100 मीटर फ्री स्टाइल। वहाँ से सर ये सफ़र शुरू हुआ। फिर एजुकेशन के चक्कर में सर अभी 8th क्लास तक ही था ये स्कूल, तब सुविधाएं थी, वो लोग ही बस से हमको ले जाते थे, छोड़ देते थे, फिर मैं कर नहीं सकती थी। तो मैंने काफ़ी गैप ले लिया 8 साल का। 8 साल के गैप के बाद सर है ना मैंने 2015 में दोबारा से स्विमिंग स्टार्ट की NLIP में। फिर वहाँ पे मेडल वेडल लगना चालू हो गए, काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन सर ने बोला कि प्राची तुम्हारे आर्म्स बहुत लंबे हैं, तो मैं कहना नया गेम ट्राई करो जिसको बोलते हैं कैनोइंग कयाकिंग, जिसमें पैडलिंग करती हूँ, उसमें तुम काफ़ी अच्छा कर सकती हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। प्राची भी मेरे पास करीब 7-8 साल पहले आई थी और वो अच्छी मेहनत कर रही थी तैराकी में, लेकिन पैर उसके कुछ ज़्यादा देखने में कमज़ोर नहीं थे क्योंकि उसकी क्लास ऊपर आ रही थी, लोअर क्लास में वो नहीं आ रही थी, लेकिन पैरों में ताकत नहीं थी, लेकिन हाथ उसके बहुत अच्छे थे, लंबे हाथ थे। हालांकि उसने मेरे पास करीब 4 साल तैराकी की, नेशनल्स में गई, और लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि कुछ और स्पोर्ट्स भी शुरू हो रहे हैं पैरा के, जैसे कयाकिंग एंड कैनोइंग, जो फेडरेशन है, बलबीर सिंह कुशवाहा जी उसके उस टाइम सचिव थे, उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया कि भाई हमें भी कुछ खिलाड़ी आप दीजिए, वो भी शुरू करने वाले हैं पैरा कयाकिंग कैनोइंग का। तो मैंने करीब 5-6 बच्चे ये उनको दिए थे, जिनमें से प्राची यादव एक थी। प्राची का जैसे मैंने कहा कि इसके हाथ बहुत लंबे थे और ताकतवर थे, तो इसको उसमें एडवांटेज मिला कयाकिंग कैनोइंग में, और करीब 4 साल की प्रैक्टिस में ही ये क्वालिफाइंग की स्टेज पर आ गई थी। 2018 में उन्होंने मुझको बोला कि तुम भोपाल जाओ, भोपाल के छोटे और बड़े तालाब में ये गेम होता है। तो सर फर्स्ट टाइम तो हम देखने गए, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि हाँ ये थोड़ा एडवेंचरस गेम हो सकता है। उसके बाद है ना वहाँ पे सर मैं मयंक ठाकुर सर हैं उनके अंडर में मैंने है ना प्रशिक्षण लेना चालू किया, क्योंकि सर स्विमर थी तो बैलेंस में इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, जल्दी मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद 1 साल के ही अंदर सर मेरे मेडल वगैरह लगे वहाँ पे, 1 गोल्ड 1 सिल्वर, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के। वहाँ पे सर है ना अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए मैं गई थी वर्ल्ड कप 1 पोजनैन में, पोलैंड में हुआ था, जहाँ पे मेरा सर 8वां स्थान आया विश्व में। उसके थ्रू मुझे लगा कि मैं ओलंपिक क्वालिफाइंग कर सकती हूँ। फिर सर है ना उसी साल में 2019 सितंबर में एक ना प्रतियोगिता हुई थी ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके थ्रू सर मेरा टॉप 10 में आया और मेरा चयन ओलंपिक के लिए हुआ। अभी मैं सर अपने पापा के साथ रहती हूँ और मेरी दीदी रहती हैं हेल्प के लिए। इससे पहले सर मम्मी मेरा सब कुछ देखती थी, लेकिन 2002 में उनको सर ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, काफ़ी बीमार रहने लगी थी वो, और 2003 में सर उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से। इससे पहले वही मुझे देखती थी, सब कुछ मेरे को उठा के ले जाना, नहाना धुलाना सब कुछ वही करती थी। एक ऐसी स्थिति आ गई थी सर जब मैं मम्मी से बात कर रही थी, तो मम्मी ने मेरे को एक बार बोला कि बेटा तू तो मेरे साथ चल, तू कैसे है ना रहेगी, तेरा यहाँ पे कौन ख्याल रखेगा, एक काम कर, जब मतलब ख़त्म होने वाला होता है ना आदमी, तब सर उनने एक बार मेरे से बोला था कि बेटा तू तो मेरे साथ चल, तू नहीं रह पाएगी। मेरे जो रिश्तेदार थे वो काफ़ी कुछ मुझे बुली करते थे, मेरे फादर को उन्होंने एक बार बोला था
कि आप दो टांग की तो शादी कर नहीं पा रहे हैं, आप एक टांग की कैसे करेंगे, ये कैसे करेगी। और आज सर वही रिश्तेदार मुझसे बात करने के लिए बोलते हैं कि बेटा तुम कैसी हो, आ जाओ मिलने, खाना खा लो, तुम तो बहुत बड़ी है ना वो बन गई हो, अब तो तुम्हारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मुझसे मतलब मिलने के लिए कहते हैं कि बेटा तुम घर आ जाओ, नौते वगैरह करते हैं। इससे पहले सर मुझे पूछते भी नहीं थे वो, अब वो मुझे फ़ोन लगाते हैं, हालचाल पूछते हैं, मतलब एकदम से। शुरू की स्थिति और आज की वर्तमान में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते थे, पूछना नहीं चाहते थे, वो आज सब ये चाहते हैं कि भाई बेटी कहाँ है और कब आ रही है और मुझे मिलना है और हमको बात करना है। इस तरह के लोग और तमाम समाचार पत्रों में, चैनलों में इस तरह के उसके आज इंटरव्यू आते हैं। तो एक सेलिब्रिटी टाइप की मतलब लड़की है और मुझे उस पर बहुत गर्व है। ये जो स्टिक देख रहे हैं सर आप, इसने सिर्फ मुझे चलना सिखाया है, इसने मुझे सहारा दिया है, लेकिन जो मेरी असली स्टिक है, मेरा चप्पू, उसने सर मुझे जीना सिखाया है। उसने मुझे एक पहचान दी है कि हाँ, मैं एक प्राची यादव पैरालंपियन हूँ और आज मैं उस मकाम पर पहुँची हूँ जो लोग सपना देखते थे कि ओलंपिक खेलना है, और सर आज वो मेरा सपना पूरा हुआ है मेरी वो वाली स्टिक से जिसे कहते हैं चप्पू।